और भाई लास्ट आइटम ही बचा हुआ है, इस मटके को रखते हैं, इस कमला की हो जाएगी छुट्टी, चलो चलकर फटाफट रखते हैं। एंड मैंने रखा एंड कमला गई। सो फाइनली गाइस कमला जैसा गेम हमारे मोबाइल डिवाइस के लिए आ चुका है। एंड लिटरली गाइस बता रहा हूँ ये गेम सेम टू सेम कमला जैसा है, बस इसका नेम है मोहिनी। उसी के साथ इस गेम का क्रेडिट जाता है हाउ टू मेक गेम वालों को, क्योंकि इतना अति सुंदर गेम उन्होंने ही बनाया है। तो अगर तुम लोग को भी ये वाला गेम प्ले करना है तो मैं तुम्हें बताऊंगा इसे डाउनलोड कैसे करना है, बट एंड तक रुके रहना, ठीक है। ओके तो अभी मैं आ चुका हूँ घर के अंदर। एंड तुम लोग घर का माहौल देख सकते हो, पूरा डरावना हुआ पड़ा है। बट एक सेकंड रुको गाइस, मैं अपना सेंसिटिविटी बना लेता हूँ। एंड उसी के साथ तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर मुझे उससे मोहिनी को मारने के लिए इतना ज्यादा चीज चाहिए, मेरा मतलब उसको घर से भगाने के लिए। ओके तो क्या क्या चाहिए, नारियल चाहिए, मंत्र बुक चाहिए, एंड सिंदूर चाहिए, और जल चाहिए, मंत्र बुक वो जो हनुमान चालीसा होता है वो। ओके तो इन सब चीजों को इकट्ठा करने के बाद मैं उस मोहिनी को इस घर से भगा सकता हूँ। ऑलराइट चलो, वैसे सामने कुछ लिखा पड़ा है तो इसे पढ़ लेते हैं। क्या है ये, मोहिनी इज अराउंड यू नीड टू हाइड, ठीक है। अच्छा मेरे पीछे अगर मोहिनी पड़ जाती है तो मैं उससे छुप भी सकता हूँ, एंड ये चीज बढ़िया है कि मैं उससे छुप सकता हूँ। बट ये जो स्क्रीन हो रहा है ना भाई, इसका मेरे को ज्यादा दिक्कत हो रहा है, ये हल्का सा रोटेट नहीं हो रहा, मतलब जल्दी से रोटेट नहीं हो रहा है। मैंने इसका सेंसिटिविटी पूरा हाई करके रखा है, तब पर भी ये जो स्क्रीन है ना भाई, इतना ही अटक अटक के चल रहा है। मैं इसको अपने हाथ से लिटरली बता रहा हूँ इतना ज्यादा। ओ रुको 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 रुको, ये देखो ये देखो भाई, ये कितनी डरावनी है यार। तुम लोग देखो सेम टू सेम कमला जैसी दिख रही है। और उसी के साथ पता है जब ये आती है ना तो कुछ तो बोलती है, अजीब सा कुछ बोलती है, मेरे को सुनाई तो ढंग से दिया नहीं, बट हाँ ये कुछ बोलती है वो तो कंफर्म है। एंड बेसिकली अभी मुझे इन सारे चीजों को ढूंढना पड़ेगा इसे घर से भगाने के लिए, क्योंकि ये खुलेआम घर में इधर से उधर घूम रही है, तो मैं इसको इस घर से आज हटा के रहूंगा। एंड चलो तो ढूंढते हैं भाई, सिंदूर, नारियल, जल और फिर हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा से मेरा मतलब है बुक चाहिए। हाँ और सामने पता नहीं कुछ तो रखा है, ये क्या चीज, ये टॉर्च है, टॉर्च भी है यार इस गेम में, चलो बढ़िया है। अभी मैं आ चुका हूँ भाई दूसरे रूम में। एंड गाइस सच्ची बता रहा हूँ, इस घर में लिटरली बहुत ही ज्यादा रूम है, मैं किस रूम में घुस रहा हूँ, किस रूम से निकल रहा हूँ, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहे। बट उससे पहले यहाँ पर एक ड्रॉर है, उसमें चेक करते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं निकला मुझे। बट कोई ना, रूम की कमी थोड़ी ना है, यहाँ पे एक और रूम है, यहाँ पे भी घुस के चेक कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे भी एक ड्रॉर है, एंड यहाँ पे चलकर देखते हैं यहाँ पे कुछ है कि नहीं। वैसे यहाँ पे तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा, ये ड्रॉर वैसे फालतू ही पड़े हैं, पता है इसमें एक ही ड्रॉर का जो वो है ना बॉक्स खुल रहा है, एंड बाकी के तो ऐसे ही है दिखावे के लिए, मतलब कुछ नहीं है उसके अंदर। और अभी एक सेकंड रुको, यहाँ पर ना एक रूम के अंदर एक और भी रूम है। ओ यहाँ पे कुछ तो रखा है, एक सेकंड, यहाँ पे पक्का कुछ तो रखा है। बट यार मेरे को लग रहा है ना वो मोहनी है ना इधर ही आ रही है। रुको ये क्या है, एक की है, ठीक है, इस की का काम पता नहीं कहाँ पर लगने वाला है, लेकिन मैंने इसको उठा लिया है। ओके और अभी मुझे लग रहा है वो मोहनी जो है ना कहीं आसपास है, क्योंकि गाइस मुझे ना उसका साउंड आसपास ही सुनाई दे रहा है, जो वो बकती है ना, जो बोलती है, क्या तो बोलती है आई डोंट नो, बाकी हाँ वो मुझे आसपास ही सुनाई दे रहा है। तुम भी एक बार ध्यान से सुनो, तुम्हें भी सुनाई देगा, एक बार सुनकर देखो, सुनाई दे रहा है मुझे तो भाई, सुनाई दे रहा था, अभी पता नहीं क्यों सुनाई नहीं दे रहा है। और ये की जो मुझे मिला है उसे मुझे यहाँ पर लगाना है, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया मैंने। एंड तुम लोग बोल रहे होगे कि ये चीज मुझे कैसे पता है, तो ये चीज मैंने एक बार पहले भी ट्राई करके देखा है, बस ये की है ना इसका जगह दूसरे जगह शिफ्ट होते रहता है, मतलब ये एक जगह पे नहीं रहता है, तो इसे तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। एंड उसी के साथ मुझे यहाँ पर एक सिंदूर का थाल मिल चुका है, थाल बोलो या फिर थाली, तुम लोग क्या बोलते हो मुझे पता नहीं, बाकी हाँ मैं तो थाल ही बोलूँगा, ये पूरा सिंदूर से भरा हुआ है। चलो एक आइटम तो मुझे मिल गया, मुझे और भी बहुत से आइटम चाहिए, जैसे कि एक बुक चाहिए और एक नारियल चाहिए, एंड वो क्या तो बोलते हैं एक घड़ा होता है ना, घड़ा, उसमें मुझे पानी भरना पड़ेगा, सो वो चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें और चाहिए मुझे, एंड एक चीज़ तो मुझे मिल चुका है। एंड अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पे कहाँ जाना है इसको लेके पता नहीं है, बाकी मैं तो इसको रख के ही चल रहा हूँ, क्योंकि कहीं पर तो इसका काम लगेगा ही, मुझे पता है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक के दूसरे जगह पे आ चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा है, ठीक है, फॉर वाटर यू हैव टू फाइंड हैंड पम्प, अच्छा ठीक है, हैंडल फर्स्ट, सो इफ़ यू ऑलरेडी हैव ए हैंडल देन गो द, अच्छा ठीक है, इसमें वाला सिस्टम है पता है, वो क्या बोलते हैं जैसा कमला में रहता है ना, वो हैंड पंप से हम पानी क्या करते हैं उसको, उसमें वो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं यार उसको, हैंडल हैंड पंप पे लगा के फिर हम घड़े पे पानी रखते हैं, वही सेम चीज इसमें भी है, हम हैंड पंप चला के घड़े पे पानी रख के फिर जो आग वाग में क्या तो डालते हैं उसमें, वही है इसमें भी। हाँ तो अभी फिलहाल यहाँ पर मुझे क्रोबर की जरूरत है, यहाँ पे भी रास्ता बंद है, तो इसके लिए मुझे क्रोबर चाहिए, एंड पक्का मुझे पता है उसके अंदर कुछ तो होगा, क्योंकि अगर वो रूम लकड़ियों से ढका पड़ा है तो तुम लोग सोच सकते हो उसके अंदर कुछ तो हो गई है ना। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, पता नहीं कहाँ पे चल रहा हूँ यार, ये घर भी इतना ज़्यादा बड़ा है। एंड उसी के साथ एक सेकेंड, यहाँ पे एक ड्रॉर है, इसको देख लेते हैं, नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ तो ये घर इतना बड़ा है ना भाई,
जिधर भी जाओ उधर तुम्हें एक न एक दरवाजा मिल ही जाएगा। और ये देखो यहाँ पे दो दो दरवाजे एक साथ ही है अगल बगल। भाई चलो किसी दरवाजे पे चलकर देखते हैं, बट उससे पहले यहाँ पर एक और ड्रॉर है और इसके अंदर भी मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। ये देखो ये फालतू ही बस हमारा ध्यान भटकाने के लिए लगे हैं पता है। और यहाँ पे इस साइड पे वैसे कुछ मेरे को दिखाई तो दे नहीं रहा है, बस उस चुड़ैल का साउंड आए जा रहा है मेरे को। पता नहीं कितने दूर पे है, वो पास में है या फिर दूर पे भी, बस अचानक से नया है, बस वो मेरे सामने अचानक नया है, नहीं तो मैं भाई क्या ही बताऊँ अब क्या बोल सकता हूँ। खैर छोड़ो यहाँ पर मैं दूसरे रूम पे आ चुका हूँ एंड इस रूम पे भी कुछ मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है, बस एक डोर देखने को मिल रहा है जिसके अंदर एक और रूम होगा। ये देखो हो एक रूम के अंदर दो दो दरवाजे और भी है, देख रहो इसे गेम को ना समझना मेरे हिसाब। एक सेकेंड यहाँ पे ए हम लोग को बुक मिल गया, बट ए यार मैं ना इस बुक को अगर ले रहा हूँ तो इस सिंदूर को नहीं रख पा रहा हूँ, मतलब कि अब क्या कर सकता हूँ भाई, मैं दो चीज़ को एक साथ रख ही नहीं सकता, इसमें इन्वेंटरी वाला सिस्टम ही नहीं है। एंड अब मुझे इस बुक को क्या करना चाहिए, मैं इसको ले के भी कहाँ जाऊँगा। बट हाँ एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, जहाँ पर मैंने इस सिंदूर के थाल को फेंका है उस चीज़ को मेरे को अच्छे से याद रखना है, मतलब उस जगह को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस थाल का मेरे को वापस ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि लास्ट में हमको उसको भगाना भी तो है ना, इसलिए इस थाल का मुझे ज़रूरत पड़ेगा एंड में। एंड अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्या चीज़ है, ओह क्रोवर मिल गया। चलो इस क्रोवर को मैं जानता हूँ कहाँ पर यूज करना है, और अभी मैंने इस क्या तो बोलते हैं क्या बुक है ना इसको यहीं पर फेंक दिया है। और एक सेकेंड यहाँ पर एक की भी है, भाई कितने सारे चीज़ मिल रहे हैं, अभी लगातार तीन चार चीज़ें मिल चुकी है मेरे को, पर यही है कि इसमें मैं रख नहीं सकते एक साथ, बस एक ही चीज़ मैं रख रहा हूँ और एक एक करके मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं आगे, मैं उस जगह को खोल कर देखता हूँ उसके अंदर क्या है। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर मुझे कोई भी देखने को नहीं मिला है, बस साउंड बस सुनाई दे रहा है उस चुड़ैल का, और उस चुड़ैल बस अचानक से आके धप्पा ना कर दे। ओ रुको, अरे ये तो इसी जगह पे जा रही है जहाँ पर मुझे जाना है। यार क्या करूँ, ये अटक गई है क्या, ये शायद अटक चुकी है। अबे यार क्या हो रहा है मेरे साथ, ये अटक गई अभी एक भाई, ये वहाँ से जाएगी कि नहीं, ये जाएगी नहीं तो फिर मैं जाऊँगा कैसे। एक बार इसके पास चल के देखे क्या, कहीं ये मेरे पीछे पड़े तो वहाँ से हट जाए। नहीं यार ये हट भी नहीं रही है वहाँ से, भाई हट जा। हाँ मुड़ी 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 मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा, अरे मुड़ जा चुड़ैल भाई, ये जा ही नहीं रही है, जा ना, मुड़ तो गई है, जा क्यों नहीं रही, अटक भाई उस दरवाजे में, उसका ना साड़ी अटक गया है, वहाँ से हट ही नहीं रही भाई ये, हट जा। अरे ये चले जा बहन, चल जा, जा क्यों नहीं, ओह चली गई चली गई, चलो चलो बढ़िया है। दोस्तों इसके चलने का स्टाइल देखो एक बार, क्या तेज तेज चल रही है। खैर छोड़ो अभी ये जा चुकी है, और जिस जगह का मुझे काम है उस जगह पे मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पे इस क्रोबर से मुझे इन सारे प्लैंक्स को हटाना है, ठीक है, यहाँ पे ये हटा दो एंड इसको और इसको, चलो ऑलराइट अभी मैं आ चुका हूँ दूसरे जगह पे। ये अबे यार यहाँ पर भी मुझे कुछ तो ढूंढना है, क्या ढूंढना है वो मुझे पता नहीं है, कहाँ पर सामान मिल रहा है वो मुझे पता नहीं है, और सामान को मुझे कहाँ लेके जाना है वो भी मुझे पता नहीं है। इसमें करना क्या है, बस मैं ऐसे ही घूमे पड़ा हूँ, मैं इसको भगा भी पाऊँगा कि नहीं, या फिर यही मुझे अपने घर से भगा देगी भाई। और अभी यहाँ आने के बाद मुझे एक और दरवाज़ा मिल चुका है, और इस दरवाजे को खोलने के बाद मुझे और 10-15 दरवाजे दिख रहे हैं। भाई क्या हो रहा है इस गेम में, इतने सारे दरवाजे हैं, मेरे को तो पता ही नहीं था, दिख तो छोटा सा रहा था ये रूम सॉरी ये घर, बट यार यहाँ ना इस घर में इतने ज़्यादा रूम हैं, जिस रूम में घुस रहा हूँ उसके अंदर एक न एक रूम मेरे को मिल ही जा रहा है। अभी फ़िलहाल मैं एक और रूम में आ चुका हूँ एंड एक सेकेंड यहाँ पे एक चेस्ट है, रुको इसे ओपन कर देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओ इसके अंदर मटका मिल गया, मेरे को तो लगा था ये चेस्ट ओपन नहीं होगा क्योंकि इसके लिए की लगेगा मुझे, और की मैंने देखा था वहाँ पर, बट नहीं ये पहले से ही ओपन है, मतलब वो की किसी और चीज़ का है। सो अभी फ़िलहाल उसको भी मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड अभी ये मटके का मैं क्या करूँ पता नहीं, इस मटके को मैं लेके किधर जा रहा हूँ भाई, रे चल तो रहो इसको लेके ही। हाँ लेकिन वो चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस मटके को लेके कहाँ पर जाऊँगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक रूम है, इसे भी ओपन करके देख लेते हैं इसके अंदर कुछ है। हेलो कुछ है यहाँ पे भाई, दिखता तो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही रूम में बेड वेड रखे पड़े। एंड एक तो ये ड्रॉअर है ये मेरे को अलग परेशान करके रखा है, और इसे भी खोल कर देखते हैं पहले यहाँ पर क्या है। यहाँ पर वैसे कुछ है नहीं, और ये जो लड़की है, लड़की पूरा भूतनी है, उसका मुझे अलग साउंड आ रहा है, और पता नहीं बगल में रहती नहीं है तब पर भी इसका साउंड आता है, और लगता है कि ये बगल में है। ओए मैं इसके अंदर आया तो इसका लाइट ऑफ हुआ था, मतलब वो भूतनी आसपास ही तो नहीं है मेरे। और दोस्तों वैसे मुझे यहाँ पर ना एक रूम मिला है जिसपे की लॉक लगा है, मतलब ये की से ओपन होगा, और की मुझे पता है, लेकिन एक सेकेंड यहाँ पर कुछ तो है क्या। ओ
भाई इस वाली जगह को मैंने अभी तक कैसे नहीं देखा था। चलो यार अभी मुझे समझ में आ चुका है, मुझे इन सारे सामानों को लेके इस जगह पे आना है, ठीक है। और अभी ये जो मटका है उसे मुझे यहाँ पर रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दिया, ये देखो। अभी बस इस हेडपम्प का हैंडल मुझे ढूंढना है, उसके बाद इसमें हम पानी भर के इसे यहाँ पर लगाएंगे। और जिस चीज़ जो चार चीज़ों के बारे में बात कर रहा था, सिंदूर हो गया, और फिर वो क्या बोलते हैं, नारियल हो गया, और जल हो गया, और एक बुक हो गया, मुझे उन सारे चीज़ों को लाके यहाँ पर लगाना है। ये देखो यहाँ पर चार वो भी है, पिलर क्या बोलते हैं इसको, ये पता नहीं क्या चीज़ है, बाकी हाँ यहाँ पर मुझे रखना है। लेकिन गाइस वही है कि ये इतना बड़ा घर है कि मैं रास्ता ही भटक जा रहा हूँ, कहाँ पर जाऊँगा कुछ पता नहीं मेरे को। बाकी हाँ ढूंढते ढूंढते हम लेके आ जाएंगे। और अभी मुझे अच्छे से पता है कि कहाँ कहाँ पर चीज़ें हैं, मेरा मतलब जो हमने चीज़ें फेंकी है वो मुझे अच्छे से पता हो चुका है, और आधे से ज़्यादा मेरे को रास्ता भी पता हो चुका है कि कौन सा रास्ता किधर पे जाता है। तो ठीक है अभी हमको एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर मेरे को चीज़ लेके आना है और कहाँ कहाँ पर रखना है, ठीक है। हाँ तो अभी जो सबसे पहले मुझे काम करना है, मैंने एक की देखा था उसे पहले लेके आ जाता हूँ, क्योंकि उस की से मैं उस बंद दरवाजे को खोलने वाला हूँ, एंड उसके अंदर मुझे कंफर्म पता है कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्योंकि की से लॉक है ना, तो उसके अंदर कुछ ऐसा चीज होगा जिससे कि वो की से लॉक है, ठीक है। मेरा मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, समझो यार तुम लोग। ओके ऑलराइट गाइस, अभी मैं इस की को लेके आ चुका हूँ इस रूम तक, एंड इस रूम को चलो चलकर ओपन करते हैं। और अभी फिलहाल मुझे उस चुड़ैल का साउंड सुनाई दे रहा है, तो मुझे जल्दी ओपन करना पड़ेगा। भाई जल्दी ओपन हो जाए, ये क्या वीडियो दिखा रहा है। चलो अभी ये ओपन हो चुका है, इसके अंदर क्या है भाई, कुछ है यहाँ पे। अबे फालतू ही तो नहीं चाहिए रूम भाई, कुछ भी नहीं है। नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ तो है। ये क्या है, ये नारियल है, ठीक है, मैंने इसको रख लिया, एंड इसका काम मुझे पता है कहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले इस सामान को रख के आ जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। ऐसे फिर धीरे धीरे करके, मुझे तो सभी चीज़ों की लोकेशन पता ही है। ओ ये चुड़ैल यहाँ पर है, तभी तो सोचू भाई साउंड कहाँ से आ रहा है। ये देखो, चलो छोड़ो ये अभी अपने पे मगन है, एक सेकेंड ये इधर ही आ रही है, तो मैं जल्दी से इसको रख देता हूँ। भाई रख रख रहा जा भाई, रखा क्यों नहीं रही है, लगता है इसको मैं गलत जगह पे रख रहा हूँ। और अभी मुझे इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ये इधर नहीं आ जाए, नहीं तो मेरे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा, और मैं नहीं चाहता ऐसा। अभी यहाँ पे भी ये नहीं रखा रहा, किधर रखूँ मैं इसको, अबे यार गलत जगह पे रख रहा हूँ क्या मैं, भाई रखा जा। अबे यार इसको मैं किस जगह पे रखूँ, यहाँ पे भी नहीं। हाँ ये यहाँ पे रखाएगा, चलो यहाँ पे, हाँ ये, चलो ये जगह इसके लिए परफेक्ट है, वैसे ये जगह के लिए ही बना है, तो मैं परफेक्ट क्या ही कह रहा हूँ। हाँ तो अभी मुझे उन सारे चीज़ों को लोकेशन पता है, तो मैं उन चीज़ों को एक एक करके लेके आऊँगा, ठीक है। तो अभी रुकते हैं, मेरे वैसे ध्यान तो है नहीं कहाँ पर रखा है यार, इतना ज़्यादा भूल भुलैया ये घर है कि कहीं पर भी जा रहा हूँ किस साइड घुस रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं इस घर में घूम चुका हूँ ना, तब पर भी इस घर का मेरे को रास्ता याद नहीं हुआ अच्छे से। हाँ बस थोड़ा बहुत याद है, जैसे कि मैं किसी रूम में कुछ सामान वगैरह लेने के लिए गया था, वो चीज़ मुझे वहाँ मिला था, तो उस जगह का अगल बगल का कुछ रूम वगैरह मुझे याद है। हाँ मैं देखता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे, ये तो वो वाला जगह है, ठीक है, प्लैंक जहाँ से हमने हटाया था, ये वाला जगह है, ये देखो मुझे ये अच्छे से याद है, क्योंकि यहाँ पर एक वो चपका पड़ा है ना, क्या बोलते हैं, कागज़ जिसमें मैंने पढ़ा था कि यहाँ से मुझे हेड पंप के लिए वो चाहिए होगा पाइप, ठीक है। ओके ऑल राइट गाइस, अभी मैं इस बुक को लेके आ चुका हूँ, एंड इस बुक को मैं फटाफट जाके यहाँ पर रख देता हूँ। लेकिन ये जो चुड़ैल है ये पता नहीं यार वहाँ पर ही है, वहाँ से भाग ही नहीं दिए, लगता है इसको पता चल चुका है गाइस कि हम इसे इस घर से हटाने वाले हैं, इसलिए आई थिंक यहाँ से ये भाग ही नहीं रही है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम यहाँ से भगा के ही रहेंगे। और अब बस मुझे दो चीज़ें और चाहिए, एक तो वो पानी का मटका और दूसरा वो सिंदूर का थाल, ठीक है। तो फटाफट उस सिंदूर के थाल को भी लेके आ जाते हैं। और अभी फाइनली मैं इस थाली को यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसे रख देते हैं। ओके अब बस मुझे लास्ट चीज चाहिए, वो है वो पानी का मटका। बट एक सेकेंड गाइस, वो पानी का जो मटका मुझे चाहिए उसके अंदर पानी भी तो होना चाहिए, और पानी हेड पंप से निकलेगा, लेकिन हेड पंप में भाई पानी ही नहीं आएगा तो कहाँ से निकलेगा। और पानी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो हेड पंप का पिछवाड़ा है उसमें वो पाइप नहीं लगा है, जो हेड पंप के पीछे पाइप रहता है ना जिससे हम पानी चलाते हैं फिर वो निकलता है, ठीक है, वो नहीं लगा है, उसे मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो मैं निकल चुका हूँ उसकी तलाश में, और पाइप को तलाशते तलाशते कहीं मोहनी मुझे ना तलाश ले, इसलिए मुझे अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज मैंने इकट्ठा कर लिया है। और अब बस हेडपम्प के पाइप के चक्कर में पूरे किए कराए पे पानी ना फिर जाए, इसलिए मैं बिल्कुल ध्यान से उस पाइप को ढूंढूंगा। तो चलो भाई ढूंढते हैं, वैसे ढूंढू मैं किस साइड पे, इस साइड पे तो मैं आ चुका हूँ, अच्छा इस साइड पे मैं अच्छे से देख चुका हूँ, इस साइड पे मुझे कुछ भी चीज देखने को नहीं मिला है, मेरा मतलब हेडपम्प का पाइप जैसा कुछ चीज देखने को नहीं मिला है, वही बस चीज देखने को नहीं मिला भाई, यहाँ पे कुछ चीज ही देखने को नहीं मिला है, जैसे कुछ चीज़ जो मैंने सामान वगैरह ढूंढा है ना
वो इस साइड पे थे ही नहीं, वो सबसे ज़्यादा सामान मेरे को इस साइड पे मिले हैं। तो चलो इस साइड पे चलकर ही देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज़ मेरे को इधर साइड पे मिले थे। ठीक है ओके गाइस, अभी मुझे यहाँ पर एक रॉड टाइप सा कुछ चीज़ दिख रहा है, आई थिंक मिल गया। चलो इसे उठा के लेके चलते हैं अभी हेडपम्प के पास। ठीक है, वहाँ पर इसे लगा के चलाएंगे तो वहाँ से पानी निकलेगा हेडपम्प से। ठीक है, तो फिर हम इसको घड़े पे भर लेंगे, मतलब पानी को घड़े पे भर लेंगे। ठीक है ना ओके ऑल राइट गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ इस पाइप को लेके हेडपम्प के पास एंड मैंने इसको लगा दिया। ठीक है, और अभी मुझे इससे अबे इस घड़े में पानी भरा है या फिर नहीं, मैं अभी इसको रख भी नहीं पा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर मेरे को इसको रखना है, बट यार पता नहीं ये रखा क्यों नहीं रहा है। आई थिंक लगता है इसके अंदर पानी भर गया है, और ये जो चुड़ैल है वो यहीं पर घूम रही है, तो इसे भी मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे पास ना आ जाए देख के। तो अभी फ़िलहाल इसके अंदर पानी पता नहीं क्यों नहीं भरा रहा है, मेरे हिसाब से इसके अंदर पानी भर चुका है पता है, तभी तो नहीं भरा रहा है। एंड जब मैंने इसको उठा लिया है तो ये बिना पानी का तो उठता नहीं, क्योंकि मैंने इसको पहले भी एक बार ट्राई किया था। खैर छोड़ो, यहाँ पर इसे रखते हैं। एंड अभी मैंने इसको रख तो दिया है, बट पता नहीं गाइस अभी हो क्या नहीं, कुछ नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है। हो गया भाई, मैंने रख तो दिया, क्या करूँ मैं अभी यहाँ पे, इसे मुझे यहाँ पे बुलाना है क्या? आई थिंक इसको मुझे यहाँ पे बुलाना है शायद, मेरे हिसाब से इसे मुझे यहाँ पर बुलाना है। ठीक है, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, इसके अंदर आने से कुछ तो होगा इसको। ठीक है भाई, तैयार रहना अभी। अबे अरे क्या हो रहा है भाई, कुछ भी नहीं हो रहा, बस ये मेरे पीछे पड़ गई है। अरे यार गलत कर दिया मैंने, सभी चीज़ तो रख दिया हूँ बट काम क्यों नहीं कर रहा है पता नहीं यार। और अभी बड़े ही टाइम के बाद मैंने उससे पीछा छुड़ा लिया, भाई पीछे ही पड़ गई थी ये। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर ना गंदा ग्लिच हो चुका है, ये जो सिंदूर का थाली है ये मेरे इसमें तो दिखा रहा है ही नहीं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर ला के रख दिया है। क्या घटिया ग्लिच है यार, इतना ज़्यादा मेहनत के बाद भी जब ऐसा हो रहा है ना, क्या ही बताऊँ, मेरा तो क्या बोल सकता हूँ मैं भाई, कितना ज़्यादा मेहनत लगा इसमें। एंड ये जो सिंदूर का थाली के चक्कर में ना ये यहाँ से भागेगी नहीं, बाकी हाँ कुछ भी कहो, गेम भाई बहुत ही अच्छा है। एंड गेम में ऐसा ग्लिच है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ गेम बहुत ही अच्छा बना है। एंड मुझे पता है गेम वालों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, सो लाइक देता हूँ भाई तुम्हारे मेहनत को, भाई इतना ज़्यादा मेहनत किया। हाँ बस थोड़ा सा ये ग्लिच है, सो इसे तुम लोग ठीक कर देना। ठीक है, अभी वैसे भी ये गेम अर्ली एक्सेस पे चल रहा है, तो मुझे पता था इसमें हल्का फुल्का ग्लिच होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा अंदर तक आने के बाद मेरे साथ ही ऐसा ग्लिच होगा, ये मैंने नहीं सोचा था। आके भी छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं, मैंने इससे मोहनी को आग के पास भी लेके आ गया, तो भी भाई कुछ नहीं हुआ, अब मैं इससे जा रहा हूँ मर जाऊँगा। एंड उसी के साथ गाइस तुम लोग इसके मारने का भी वो देख सकते हो, मतलब एमिनेशन किस तरीके का ये पकड़ के मारती है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से इसे पकड़ाया नहीं था। बाकी हाँ तुम लोग को मैं दिखा दिया, एंड तुम लोग को ये गेम कैसा लगा कमेंट बताना। ओके, तो अगर ये गेम तुम लोगों को प्ले करना है तो हाउ टू मेक गेम के चैनल पे जाओ, वहाँ पे तुम लोग को इस गेम का लिंक मिल जाएगा। और अगर तुम्हें मुझसे ही गेम का लिंक चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, एंड हाँ फॉलो भी कर लेना, क्योंकि तुम्हारे भाई का फॉलोअर बहुत ज़्यादा कम है, मजाक कर रहा हूँ, मन करे तो कर लेना। लेकिन अगर तुम्हें लिंक वगैरह चाहिए इस गेम का तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। ठीक है ना, सो गाइस मिलते हैं तुम्हें किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।